खाने को भी आन दो भाई, नन्ना नहीं करते। हाँ बच्चे कहाँ? सिद्धार्थ कहाँ? सिद्धार्थ सिद्धार्थ ममता जी का भैया मैडम। भारत माता की जय। वृंदावन धाम की जय। बहुत बढ़िया सेटिंग कर रही है अंदर। चलो भाई साहब, एक तस्वीर भी इनको। चलो भैया मोमबत्ती। पापा कहाँ? पापा को बुलाओ भाई। कला जी आ जाओ। कला जी मैं देख रहा हूँ। एक मोमबत्ती को जला दो। तो ये मोमबत्ती ले लो। मोमबत्ती नहीं दे दे दे। बेटा सामने से लेना है, इतने करके वहीं रहो। ले लो, फिर ले लो हाथ में। लो मातृपेण संस्थिता नमस्तु से नमस्तु से नमस्तु से नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, आज बच्चे आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तु से नमस्तु से नमस्तु से नमो नमः। या आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का दिन है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तु से नमस्तु से नमस्तु से नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, ज्ञान की देवी है। नमस्तु से नमस्तु से नमस्तु से नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, उसके बिना पूरा नहीं होता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, जिसके निमित्त ये कार्य किया है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तु से नमस्तु से नमस्तु से नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सुख शांति रूपेण संस्थिता नमस्तु से नमस्तु से नमस्तु से नमः। बस ठीक है, इससे बढ़िया बच्चों ने काम शुरू किया। आधुनिक युग का ये एक बैरोमीटर है कंप्यूटर साइंस। जहाँ बैठे जहाँ मर जाए बात कर लीजिए। आने वाला समय यहाँ बैठे ब्रह्मांड में भी बात करवा देगा। साइंटिस्ट लगे हों, इनका इंस्टीट्यूट फले फूले क्रिएटिव। बच्चे यहाँ आए निश्चित रूप से जिस मंशा के साथ इन्होंने ये इंस्टीट्यूट आरंभ किया, माँ सरस्वती का आज दिन है, निश्चित रूप से इनको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत बधाई। देना भाई।
हमारे बीच में हमारे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अलायंस क्लब के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर अश्विनी गुप्ता जी, सभी का हमारे गोयल साहब सम्मान कर रहे हैं, बुजुर्गों का। सिद्धार्थ जी हमारे बीच में हैं। अरे डॉक्टर साहब आपका सम्मान कर रहे हैं, डॉक्टर गोयल साहब आइए। एक और हमारे बीच में बुजुर्ग पीछे हैं, एक और आकल नहीं आप क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। सर मेरी बात सुननी पड़ेगी, सर मेरी बात सुननी पड़ेगी। झेलवी शॉपिंग सेंटर, आदरणीय श्री रामनिवास गोयल जी स्पीकर, हमारे दिल्ली विधानसभा के हमारे सीनियर लीडर विवेक विहार, कृष्णा मार्केट के तरफ से हम आपसे इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पिताजी का आशीर्वाद उनके साथ। नानू राम जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत प्रभावित। अपना घर आश्रम, दिल्ली का वो आश्रम है जहाँ सड़कों के किनारे जिनका कोई नहीं होता, कीड़े चल रहे होते हैं शरीर में, कहीं आपको आदमी दिखाई दे नानू राम जी को फ़ोन करें। अपना घर आश्रम में वो जाएगा, अपना मैक्सिमम समय वो देते हैं वहाँ। मुझे भी प्रभु से मिलाने वाले हम लोगों को, पूरी टीम को, नानू राम जी। हमें भी प्रेरणा देने वाले वहाँ जाकर नानू राम जी। इतना ही नहीं, संस्थान के साथ हमारा जो संस्थान चलता है, लैब है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, सीटी स्कैन है, उसके कोषाध्यक्ष हैं, मैक्सिमम समय सूर्यनगर चैरिटेबल है वहाँ देते हैं, और इनकी प्रेरणा से एक और बिल्डिंग वहाँ संस्थान ने ले ली है। पूरा परिवार, नानू राम जी की मित्र मंडली, हम सब लोग मिल करके, कैलाश जी उसके अध्यक्ष हैं, मुकेश जी नहीं आई, ये तीनों की जोड़ी जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, हम उसमें से ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी को हम लक्ष्मी जी का स्वरूप मान के चलते हैं। अब महेश जी नहीं, वो अनुपस्थित हैं, पता नहीं क्यों आएंगे, तो आएंगे मैं एक बार, ये मुझे लगा कि बताना चाहिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बच्चों से आप मेहनत से, ईमानदारी से करिए, और पिता के आशीर्वाद से आप निश्चित रूप से जितने नेक कार्य वो कर रहे हैं, निश्चित रूप से फलेंगे फूलेंगे। बहुत बहुत बधाई। इतने सुंदर कार्यक्रम में, इनॉग्रेशन में, आज ICS के इनॉग्रेशन में आप आए, और सबके चेयरमैन ICS के श्री नरनाम जिंदल जी, और हमारे आदरणीय बाबूजी कैलाश गोयल जी, अनुन जी शर्मा चौबे जी, और पंकज जिंदल जी, और सभी साथियों, ये आज जो यहाँ इंस्टीट्यूट जिलमिल वार्ड में है, जो कृष्णा मार्केट में खोला जा रहा है, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक अच्छी शुरुआत है। अभी मैं देख रहा था जो लैब इन्होंने बनाई है, इतनी सुंदर लैब बनाई है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में, मैं देख रहा था कि छोटी जगह में कैसे इंस्टीट्यूट खोला जा सकता है, लेकिन आज देख लिया इनके माइंड का जो है, किस तरह से इन्होंने सदुपयोग करते हुए छोटे से स्पेस में 18 जो है आपके एक इंस्टीट्यूट खोला, और नीचे भी, ऊपर भी, और फोर चारों फ्लोर पर, तो मैं समझ सकता हूँ कि इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में ये डिजिटल इंडिया, क्योंकि आज कंप्यूटर के बिना कुछ भी संभव नहीं है, चाहे स्टार्टिंग कुछ भी हो, क्योंकि कंप्यूटर हर जगह जो शिक्षा है बहुत ज़रूरी है, और इसमें ICS इस क्षेत्र के लिए विशेष तौर पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कुछ लोग बच्चे जो है दूर नहीं जा सकते, माँ बाप के पास में इतना पैसा नहीं होता है कि वो इतना ज़्यादा खर्च कर रहे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भेजें, लेकिन ये छोटी जगह ज़रूर है, लेकिन इंस्टीट्यूट बड़े से बढ़कर है ये, तो मैं इनको पुनः शुभकामनाएं देते हैं। और जो हमारी आवश्यकता है, हमेशा हम भी बच्चों से कहेंगे कि भाई ICS में भेजें, इतनी सुंदर लैब, अच्छी सुंदर कह रहे हैं, बढ़िया तरीके से इन्होंने कंप्यूटर्स भी लगाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर्स। जनरली क्या होता है, छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें कंप्यूटर्स ऐसे हल्के लगा दिए जाते हैं, दिखाया जाता है कि एक लैब तैयार हो गए,
लेकिन बहुत अच्छे मैं स्वयं देख कर आया, क्योंकि हम भी थोड़ा सॉफ्टवेयर के बिजनेस में भी है, तो लेटेस्ट इन्होंने जो काम किया है इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम किया, मैं आपको बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि वैसे बाबूजी का तो खैर सामाजिक जीवन में इनसे तो खैर 1% है, हम इनके जीवन के ऐसा अपना घर जो है इन्होंने चलाया हुआ है, जहाँ बुजुर्गों के लिए कोई पूरे देश में कहीं नहीं सोचता है, लेकिन ये बुजुर्गों के लिए इतना सोचते हैं जिनका कोई नहीं है। मैं आपको विशेष रूप से कहूँगा कि हमारे पंजाब केसरी के सीनियर पत्रकार है, इनको एक दिन अपना घर लेकर जाए और पूरा देश में एक मैसेज जाए। और हमारे आदरणीय प्रयागराज गुप्ता जी भी और कोड़ी आश्रम, ये सब मतलब कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है, उसमें आदरणीय बाबू जी का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। और पूरी मैं पुनः आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और ICS इसी तरह से अपने आपके जो है इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। आई सेकंड शायद ब्रांच है, मेरे को चौबे जी बता रहे थे, पहली ब्रांच शाहदरा में है, सेकंड ब्रांच इनकी जो है झिलमिल में चालू होगी, इसी तरह से इनकी ब्रांच बढ़ती रहे, जहाँ कोई नहीं वहाँ ICS। तो मेरा ये मानना है, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और जो भी आवश्यकता हम शिशु भारती शिव मंदिर विद्यालय और हमारे विद्यालय हिंदू शिक्षा समिति न्यास के 5 विद्यालय इस क्षेत्र में चलते हैं, गीता बाल भारती पब्लिक स्कूल और आपके शंकर नगर में है, ऐसी गांधीनगर में, ऐसी भजनपुरा के अंदर है, तो हम भी बच्चों को कहेंगे कि भी ICS में जाएं, कंप्यूटर शिक्षा लेनी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हमारे पंकज वशिष्ठ जी पंजाब के इसी से आए हुए हैं, इनका भी विशेष रूप से, और मैं कहूँगा कि पंकज जी कहीं एक कॉलम में जो है ICS के विषय में लिखें कि किस तरह से ऐसे क्षेत्र में जहाँ क्लस्टर में कोई नहीं आने चाहता, बड़ी कंपनी बड़ा काम करते हैं, लेकिन क्लस्टर में खोलना एक बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ ऐसा भी रहता है कि पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, कहाँ से सोर्स आएंगे, किधर से सोर्स पैसा आएगा। तो मैं इनको बहुत बहुत इनकी बहादुरी के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि ऐसे क्षेत्र में आके खोला। और आप भी इसको कॉलम में अपने पंजाब केसरी में, हमारे अरुण जी तो कर पंजाब केसरी बड़े सीनियर पत्रकार रहे हैं, अब तो रिटायरमेंट लाइफ पर, लेकिन एज ए पत्रकार कभी रिटायर नहीं होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। रमेश शर्मा हमारे साथ है, ICS इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिस्टर सिद्धार्थ सर, आपको मैं ओपनिंग करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आपके जो इंस्टीट्यूट में क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी और क्या क्या सुविधाएं देने जा रहे हैं? हम लेटेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज जिसमें कि एनिमेशन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, VFX प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस हम मास कॉमर्स जर्नलिज्म का कोर्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। आपने कुछ ऐसी भी कोई स्कीम रखी है कि जो थोड़ा सा मतलब आर्थिक रूप से कमजोर हो तो उनसे सुविधा दे सकते? हाँ, हमने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए भी एक एंट्रेंस टेस्ट रखा है, उसको पाके वो अच्छे डिस्काउंट पे ही कोर्स कर सकते हैं। आप कुछ मतलब रेट है मार्केट से अलग है या कुछ क्या मतलब क्या नया ऐसा क्या देने जा रहे हैं जो आपने चीज़? हमने बच्चों को वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है जो अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं मिलती, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस टीचर जो कि इंडस्ट्री में है और इंडस्ट्री के जुड़े हुए हैं और जो उनको बेटर करियर बनाने में मदद करेंगे। आशा करता हूँ कि आपका इंस्टीट्यूट दिन पले पले और आगे बढ़े और इस क्षेत्र के लगभग मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के बच्चों को तो आने वाले समय में काफ़ी हद तक आप लोग सहयोग करेंगे। नमस्कार, सृष्टि समिति रमेश शर्मा, हमारे साथ हैं निशा जी जिन्होंने पिछला चुनाव इलेक्शन लड़ा था, हम इनसे बात करते हैं कि आगे क्या तैयारी है। हमारी तैयारियां, पहले तो मैं आप सबको शुभकामना देना चाहती हूँ कि आज बसंत पंचमी के दिन और सरस्वती पूजन के दिन हम एक यहाँ भव्य समारोह में आए हुए हैं और इसमें ICS इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने के लिए हमारे विधानसभा तो अभी हम इसी प्रोग्राम में से आए हैं और बाकी चुनाव की तैयारियां भी हमारी चली रही है और हमारे यहाँ से प्रत्याशी MP के चुनाव में दीशी जी हैं और हम चाहते हैं आप सब भारी से भारी मतों से उनको वोट देकर उनको जिताएँ। क्या कमी रही, क्या क्या लगता है कि ऐसा मतलब हार कम हो जाती है? जनता को समझना पड़ता है, कुछ अपने आप को भी समझना पड़ता है, चुनाव में नहीं थी नहीं पता चला, अपनी गलतियां ज़्यादा कही जा सकती है। चलिए मैं आपको अभी से शुभकामना और आशा करता हूँ कि आप आने वाले समय में जैसे इलेक्शन लड़ने वाले हैं हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा होगा। हेलो, हमारे साथ हैं सुदर्शन सक्सेना जी सर, ICS के उद्घाटन के मौके पर दो शब्द।
सबसे पहले तो मैं यहाँ जितने भी हमारे उपस्थित अतिथि हैं उन सबको मैं आज वसंत पंचमी की जो है मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये बड़ी खुशी की बात है, और मैं समझता हूँ ICS के जो सिद्धार्थ गर्ग जी हैं और उनके साथी हैं, उन्होंने जो आज का दिन चुना बहुत ही शुभ दिन चुना है, क्योंकि सरस्वती का दिन है आज, और जो शिक्षा है वो सरस्वती की जो है देवी है। तो ऐसे दिन किसी भी चीज़ की शुरुआत करना जो शिक्षा से संबंधित है, वो वास्तव में जो भी उसको खोलेगा या शुरू करता है उसको हमेशा सफलता मिलेगी। और मैं समझता हूँ यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आएंगे वो भी हमेशा जो जाएंगे तो यहाँ सफल होकर के जाएंगे। मैं आपसे एक बात पॉलिटिकली ये भी जानना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो चुनाव का माहौल आ रहा है उसको देखते हुए शीला दीक्षित जी का जो कांग्रेस में ज्वाइनिंग होना, उससे कांग्रेस में एक नई ऊर्जा आएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो कांग्रेस के अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है, नई स्फूर्ति के साथ सारे वर्कर्स लग रहे हैं। शीला जी का जो 15 साल का जो कार्यकाल रहा, सबसे बड़ी बात रही कि जो सरकारें आती हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, वो तो अपना काम तो करते ही जो उनका होता है, लेकिन समाज के नागरिकों से एक एक आदमी से जुड़ पाना ये हर एक के लिए शायद पॉसिबल नहीं होता, लेकिन शीला जी ने वो कर दिखाया। शीला जी का चाहे किसी मोहल्ले में चले जाएँ, किसी शहर में चले जाएँ, एक भागीदारी जो उन्होंने चलाई उसके द्वारा एक एक नागरिक के एक एक आदमी से जो है वो लोग जुड़ गए। और आज यही कारण है कि जब वो वापस आई हैं तो कांग्रेस के अंदर एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई है, और ये लगने लगा जो हम बिल्कुल सुस्त पड़ गए थे, लोगों की जो एनर्जी ख़त्म हो गई थी, दोबारा से उनको एक टॉनिक मिला है शीला जी के रूप में, और वो टॉनिक के द्वारा वो अपने आप को फिर दोबारा से बल अपने आप को शक्तिशाली महसूस करने लगे हैं। और उसके साथ जो कार्यक्रम आप देख रहे होंगे लगातार दिल्ली के अंदर जो है चल रहे हैं, हमारे कांग्रेस के धरने प्रदर्शन भी चल रहे हैं, हमारे कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता सम्मेलन भी लगातार हो रहे हैं, उसमें पहले उसे वर्कर वो जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन आज वर्कर समझता है कि कांग्रेस दोबारा से मेरी हो गई है शीला जी के आने से, तो दोबारा से जो है उसके अंदर ताकत है और वो पूरी ताकत के साथ लग गया है। और आगे आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे उसका रिजल्ट कि हम जो अपने कांग्रेस के प्रत्याशी जो भी होगा हम उसके साथ लगेंगे तन मन धन और लगन के साथ और उसको जिता करके लाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी आपको सृष्टि समिति में प्रवेश शर्मा।